अमन भाई एक सवाल हो रहा है मेरा आपसे, आपकी इस पूरी फैक्ट्री में कितने लोग काम करते हैं, कितने वर्कर्स हैं? 15-20 वर्कर काम करते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सो सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त की डिटर्जेंट फैक्ट्री में, तो मैंने कहा क्यों ना आप सबको टूर करवाता हूँ फैक्ट्री का। लेकिन उससे पहले घर का काम करना है, तो पहले आटा लेने जाना है, फिर उसके बाद अपनी कार में CNG और पेट्रोल डलवाना है, उसके बाद जाऊँगा फैक्ट्री पे। तो मिलते हैं आगे। सो गाइज, आटा तो ले आया हूँ, अब फटाफट चलते हैं गाड़ी में CNG और पेट्रोल भरवाने, और मिलता हूँ आपसे आगे। सो गाइज, ये देखो, ये हमारी गाड़ी के सिक्योरिटी गार्ड जिन्होंने पूरे कवर की ऐसी तैसी कर दी है, तो फटाफट कवर उतारते हैं और चलते हैं। पेट्रोल तो डलवा लिया है, अब फटाफट चलते हैं CNG डलवाने और उसके बाद सीधे चलते हैं फैक्ट्री पे। तो मिलते हैं आगे। सो गाइस, ये देखो कितनी जोर से बारिश पड़ रही है, मतलब एक तरफ धूप है शहर के तो एक तरफ बारिश पड़ रही है। अब देखो एकदम बंद हो गई, पीछे जाओ तो इतनी तेज बारिश हो रही है। सो गाइज, ये पहुंच गए हम CNG पंप पे और बस अपना नंबर आने का इंतज़ार कर रहे हैं, और हमारे साथ है हर्ष भाई, तो बस बस इंतज़ार करना है। सो गाइज, अभी CNG भरवा चुका हूँ, अब फटाफट चलते हैं फैक्ट्री पे और आपको फैक्ट्री का टूर दिखाता हूँ। तो मिलते हैं आगे। सो गाइज, फाइनली मैं डिटर्जेंट की फैक्ट्री पे पहुंच गया हूँ, अब मैं आपको मिलवाता हूँ यहाँ के ओनर से। तो ये है हमारे अमन भाई जिनकी पूरी फैक्ट्री है। तो अमन भाई चले अंदर, चलो 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 चलते हैं फैक्ट्री के अंदर और मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ। तो मिलते हैं आगे। तो ये है अमन भाई का ऑफिस, यहाँ से पूरा अमन भाई बड़ी बिल वगैरह जो करता है सब कुछ यहीं से होता है, सब कुछ यहीं। अमन भाई, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, ये आप संजय दत्त के फैन हो गया जो आपने इतने बड़े बड़े बाल रख लिए? अच्छा, खलनायक देख ली थी आपने। चलो अंदर चलते हैं फैक्ट्री में। हेलो, एक अमन भाई का ये गोदाम है, ये गोदाम है। अमन भाई ये क्या है? ये सरफ के कट्टे हैं, पूरे सरफ के, मतलब कट्टे अपने 200 ग्राम के कट्टे रखे जाते हैं। अच्छा, छोटे पाव उठा दें 10 रुपए वाले, हाँ बड़े पाव जिसमें रखे जाते हैं, और ये नमक है। तो चलो आगे चलते हैं।
तो अमन भाई ये क्या है? ये भी नमक है पर ये लाल वाला नमक है, दाना कहते हैं। रंग डालने के लिए। तो अमन भाई एक सवाल और है मेरा आपसे, आपकी इस पूरी फैक्ट्री में कितने लोग काम करते हैं, कितने वर्कर्स हैं? 15-20 वर्कर काम करते हैं। कोई लेबर का ये रहता है कि एक आ रहा है, दो दिन काम कर रहा है, चले जाए, तो 15-20 मान के चलो। अच्छा, तो आप 15-20 लोगों को रोजगार देते हो? 15-20 मतलब सारे फैक्ट्री के आसपास ही रहते हैं? हाँ, धनौली, कोई आसरौली। अच्छा, सब आसपास के। चलो अमन भाई आगे चलते हैं। और ये क्या है अपना? ये केमिकल है, स्लरी। स्लरी इससे क्या होता है? इससे चिकनाहट आती है ना सरफ के अंदर। अच्छा अच्छा, अच्छा, अच्छा। और ये अपना पूरा बना हुआ है? बना हुआ है, आपको मशीन खराब हुई है, इससे टिकल काम लगा हुआ है। अच्छा, और यहाँ पे ये क्या हो रहा है सामने? ये दोनों लाइट हो रहा है, दोनों लाइट चलता है सरफ के अंदर। इससे क्या होता है? इससे थोड़ा सफ़ेदी लाने के लिए। अच्छा, सर्फ को सफ़ेद करने के लिए। हाँ, ये नमक है, ये सोडा है, ये सोडा है अपना, ये बना हुआ नमक है, ये बना हुआ है, ये बन गया हुआ है, ये सर्फ है। हाँ, ये सर अभी ये छन्ना रहेगा, छन्ता है। छन्ता किससे है? इससे छन्ता है। अच्छा, इससे छन्ता है। हाँ, इससे छन्ता है। ओके, सो गाइस ये देखो अपना सर्फ, ये छनेगा, ये छनेगा। तो अमन भाई चलो बाहर चलते हैं। तो अमन भाई ये क्या है अपना? ये यहाँ पे गोदाम ही टाइप समझ लो। अच्छा, ये गोदाम है अपना। कट्टे रखे जाते हैं यहाँ पे 2.5 किलो, 5 किलो, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो। तो अमन भाई आपका ये जितना डिटर्जेंट है ये कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है? ये राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ? उत्तर प्रदेश यहाँ पे हो जाता है, हाथरस हो जाता है, इलाहाबाद हो जाता है, लखनऊ हो जाता है, और राजस्थान में सादाबाद हो जाता है। राजस्थान में भी तो दो जगह, धौलपुर और राजाखेड़ा। अच्छा, तो आपका यूपी और पूरा राजस्थान में जाता है? एमपी में ले जाने की सोच रहा है। अच्छा, एमपी में और ले जाने की सोच रहा है? एमपी में डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाता है। अच्छा, और ये सामने ये जो जगह खाली है ये भी अपनी है। अब ये सारा ऑफिस सेटअप हट के यहाँ आएगा। अच्छा, ये सामने वाला जो प्लॉट है यहाँ पे फैक्ट्री रहेगी, पूरा यहाँ पे ऑफिस बनेगा। अच्छा, गाड़ी वाड़ी पार्क करने का। और अमन भाई ये पीछे खाली जगह, ये जो यहाँ से जो लट्ठा खड़ा हुआ है सामने, हाँ ये सामने लट्ठा खड़ा हुआ है जो, ठीक है, लेकर ये पेड़ है जो बनना है, यहाँ चौकड़ा है, उसका साबुन का प्लांट डलेगा यहाँ पे। साबुन का प्लांट डलेगा, 2 महीने बाद स्टार्ट हो जाएगा, 2 महीने बाद काम पूरा स्टार्ट हो जाएगा, पूरा काम स्टार्ट हो जाएगा। और इसके ऊपर भी कुछ बनवाओगे? ऊपर का आगे देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। चलो बढ़िया है। तो अमन भाई ये तो हो गया आपका डिटर्जेंट का, कि मतलब सर्फ वगैरह हो गया, उसके अलावा आपका क्या क्या काम है? प्लॉटिंग का काम है। प्लॉटिंग अपनी कहाँ कहाँ पे? आरती नगर के नाम से, यानी कॉलोनिया काट के, ये मलपुरा में 3 कॉलोनिया आरती नगर के नाम से। और क्या क्या काम है इसके अलावा? मैरिज होम है। अच्छा, मैरिज होम का काम चल रहा है। अच्छा, मैरिज होम का काम चल रहा है। और ये जो हेड ऑफिस है ये यहाँ पे लगा हुआ है राजपुर चुंगी, ये जनक पैलेस में, जो जनक पैलेस है ना, हाँ, राजपुर चुंगी पे मेन मार्केट में है, उसके ऊपर के दोनों पुरुष हमारे हैं, वहाँ पे हेड ऑफिस है। अमन भाई पूरा, यानी डिस्ट्रीब्यूटर बनता है तो वहाँ से बनता है। अच्छा, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, जब डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ से बन जाता है यहाँ पे ऑर्डर लिखा जाता है, यहाँ से ऑर्डर वहाँ से कॉल आएगा, यहाँ पे ऑर्डर लिखा जाए, तब जाते गाड़ी निकाल दी जाती है। अच्छा, तो अमन भाई इसका लाभ मोटी पार्टी हो। तो अमन भाई अभी आप कौन सी गाड़ी चला रहे हो? अभी तो XUV चला रहा हूँ, XUV 3. तो आगे क्या प्लान है आपका इसके अलावा? यही है, छोटे लोग हैं, छोटे चलाएंगे। अच्छा, छोटे लोग इतना सब बड़ा, मतलब आपका काम धंधा चल रहा है उसमें भी आप छोटे लोग बोल रहे हो, तो छत चाहिए बस भीगने दे, बारिश हो रही है, में चल लो, चाहे गाड़ी में चल लो, किसी में चल लो। अच्छा, तो फॉर्चुनर वगैरह का कुछ प्लान है? नहीं अभी नहीं, अभी काम पे जाना है। अच्छा, पूरा काम पे जाना है। सो ये है अमन भाई की गाड़ी, वो अपनी गाड़ी, और ये फैक्ट्री का फ्रंट है, यहाँ पे डिटर्जेंट वगैरह रखे हुए हैं अपने। सो गाइज ये थी हमारे अमन भाई की फैक्ट्री। अगर किसी को डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए कॉन्टेक्ट करना हो अमन भाई से, तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा। और ब्लॉग को करते हैं यही एंड, अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना अमन भाई, कर देना, शेयर कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में।